नमस्कार दोस्तों दोस्तों ये देखिए पारसी मच्छी लेके आई हूँ। पारसी मच्छी का फिश करी बनाने वाली हूँ। मैं ये इसका रेसिपी कभी डाली नहीं हूँ, ये पहली बार लाई हूँ। मैं ये देखिए 500 ग्राम लेके आई हूँ। इसको अच्छे से साफ करते हैं। इसको साफ करने का प्रोसेस दिखा देती हूँ। ये बहुत आसानी से साफ हो जाता है, देखिए हाथ से भी निकल जाता है। इसका जो छिलके है ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाता है, तो हम ऐसे करके निकाल लेते हैं इसका। ये देखिए ये सब ऊपर का जो छिलके हैं निकल लिया। अभी इसको हम कैसे आधे आधे में काट लेंगे। देखिए ऐसा ऐसा करके जितना उसका पूंछ है उसको सब काट लेते हैं। सब काट लेंगे और इसका जो है पूरा हमको इसको निकालना नहीं है, इसको ऐसे इतना में निकालेंगे। देखिए दोनों तरफ से इसे काट ले, दोनों तरफ से मैं ये देखिए काट लिया है। अभी इसका जो पेट का ये है कुछ घास वगैरह खाया हुआ है, इसका मुंडी का ये भी निकाल देंगे हम। बहुत सारे लोग निकालते नहीं है, हम निकाल देंगे। इसका यह साफ कर लिया, उसके बाद इसमें कट का निशान लगा लेंगे। घास वगैरह खाने वाला ये देखिए बहुत सारा घास खाते हैं तो इसका इसका ज़्यादा निकलता है। ये देखिए ऐसे करके हम सब मच्छी को साफ कर लेते हैं। ये देखिए मसाला में आधा इंच का अदरक का टुकड़ा, एक आखा वाला लहसुन, लाल मिर्च सूखी वाली, धनिया 2 चम्मच, जीरा 2 चम्मच, राई 2 चम्मच, इसको पीसने के लिए देते हैं। ये देखिए दोस्तों मसाला पीस लिए हूँ। अब टमाटर मीडियम साइज का 4 टमाटर ली हूँ, इसको भी मिक्सर में पीस लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फिश अच्छा से भाज के देखिए कितना अच्छा से, इसका अंदर का कोई भी फेंकते नहीं है। मैं इतना क्लीन से साफ की हूँ। ये देखिए अच्छा से साफ हो गया है। इसमें ये है नींबू, नींबू आधा रस हम नींबू का इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए नींबू का आधा रस मिक्स कर देते हैं। आप लोग चाहे तो नहीं दे सकते हैं, पर नींबू का रस देने से थोड़ा जो इसका मच्छी का ये इसका स्मेल है थोड़ा कम और आते हैं। अभी उसके ऊपर हल्दी पाउडर दे देते हैं, नमक दे देते हैं, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर दे देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके दोस्तों 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। ये देखिए दोस्तों मैं मच्छी का जो जितना फिश है मैं सबका काट का निशान लगा दी हूँ। ऐसा काट का निशान लगाने से तेल मसाला नमक वगैरह अच्छे से अंदर तक जाता है, तो सबका काट का निशान बीच बीच में लगा दीजिएगा। ये देखिए हल्दी मिर्ची धनिया सब ईटा मिक्स करके नींबू वम्बू दिए हूँ, इसको ढक्कन लगा कर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। ये देखिए दोस्तों फ्राई पैन में दे दी हूँ ऑयल 2 चम्मच बड़ा चम्मच में। अभी इसमें फिश फ्राई करते हैं। 5 मिनट हो गया है इसको, 5 मिनट इसका हो गया है, इसको फ्राई करते हैं। हल्का 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 ब्राउन कर लेंगे इसको फ्राई करके। तो देखिए दोस्तों फिश फ्राई करके हो गया, तो निकालते हैं अभी। फिश फ्राई हो गया दोस्तों, उसी ऑयल में अभी सब्जी बनाते हैं। 3 तेज़पत्ता, 1 ये काला इलायची, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, ये जीरा और ये छोटा दाना वाला राई। देखिए अच्छे से राई चटक गया है। अभी हम मीडियम साइज के प्याज ले लेते हैं। देखिए प्याज अच्छे से पक गया है। अभी पिसा हुआ मसाला दे देते हैं। मसाला भून ली हूँ, अभी इसमें सूखा मसाला देते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी पाउडर, 1 चम्मच तीखी मिर्च पाउडर, से 1.5 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं।
ये देखिए दोस्तों, मसाला अच्छे से 1.5 से 2 मिनट तक इसमें फ्राई कर लिए। अभी पिसा हुआ टमाटर जो हम दे देते हैं। इसको लगभग 3 से 4 मिनट तक एकदम मसाला और टमाटर को पका लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, टमाटर एकदम अच्छे से मसाला के साथ एक जल तो गए हैं। इसमें स्वाद अनुसार के लिए नमक दे देते हैं। ये देखिए मसाला और टमाटर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लिए हूँ। अभी इसके लिए हम गर्म पानी पहले से करके रखी है। जब भी ऐसा बनाइए थोड़ा गर्म पानी इस्तेमाल कीजिए तो बहुत ही टेस्टी आता है मच्छी को। तो हम लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी ग्रेवी के लिए देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ग्रेवी को उबालने देते हैं, उसके बाद ही फिश को इसके ऊपर छोड़ते हैं। देखिए झोल पूरा अच्छे से, सॉरी ग्रेवी ये देखिए अच्छे से उबला गया है। अभी जो फिश है ये फ्राई करके रखी हूँ, इस फिश को इसमें इसको दे देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए फर्से माछ की फिश करी बन के रेडी हो गया है। अभी स्वाद अनुसार के लिए गरम मसाला दे देते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मच्छी देखो ज़्यादा टाइम उबालना नहीं है हमको, 2 से 3 मिनट ही काफ़ी है। धनिया दे दिए हैं, हरा धनिया। ये देखिए हमारा पारसी मच्छी फिश करी बन के रेडी हो गया। अभी गैस बंद करते हैं। ये देखिए हमारा फिश करी बन के रेडी हो गया दोस्तों। फिश करी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा और नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। मेरा इतना टाइम हो गया, व्यूज़ भी अच्छा नहीं आता, आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं ना ही कॉमेंट करते हैं, थोड़ा प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।